Hello friends, my name is Nirgis Gupta. Today we will discuss about the three address code. Basically, three address code intermediate code को represent करने की एक technique है. मतलब intermediate code को generate करने के लिए we required some techniques. उसमें एक popular technique है three address code. अब intermediate code में हमारे पास semantic analysis से जो भी expressions या जो programs आए convert होके semantic analysis से semantic rules लगाने के बाद में intermediate code generator phase में आया. अब जैसे intermediate code generation phase में आया तो वहाँ पर हम intermediate code generation phase में उस पूरे के पूरे जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को हम थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जब हम मशीन जनरेटेड कोड बनाएं, मतलब आपका कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में जब कोड जनरेट करे, असेंबली लैंग्वेज में कोड जनरेट करे, तो वो इजीली उन कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को रीड आउट कर पाए विद द हेल्प ऑफ अ थ्री एड्रेस कोड. सो एक एक्सप्रेशन के थ्रू मैं थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के जितने भी टेक्निक्स हैं उन सबको मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन. सो थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ क्वाड्रपल, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स. ये तीन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. तीनों टेक्निक में हर टेक्निक का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं. हम विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन सारे ड्रॉबैक्स और एडवांटेज को समझ लेंगे. अब ये जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखा, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन का थ्री एड्रेस कोड बनाएं. तो थ्री एड्रेस कोड के लिए सबसे पहली चीज जो एक फॉर्मूला है या एक फॉर्म कह लो कि इसी फॉर्म में आपका थ्री एड्रेस कोड हो सकता है, वो फॉर्म है एक्स इक्वल्स टू लेट सपोज ए ऑपरेट ऑपरेटर बी. सो इस फॉर्म में हम थ्री एड्रेस कोड जनरेट करते हैं, बनाते हैं हर एक स्टेटमेंट का. अब यहाँ पे ए थ्री एड्रेस कोड क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री एड्रेस होते हैं, वन एड्रेस, टू एड्रेस एंड थ्री एड्रेस. या फिर आप ये कह सकते हैं कि थ्री एड्रेस कोड में एटमोस्ट थ्री ज्यादा से ज्यादा कितने, तीन हमारे पास एड्रेस या तीन ऑपरेंड्स हो सकते हैं, तीन आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू, ऑपरेंड थ्री. और राइट हैंड साइड में दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर हो सकता है, या फिर राइट हैंड साइड में एक ऑपरेंड हो सकता है, या फिर राइट हैंड साइड में एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड हो सकता है. तो इस तरह से ये हमारे थ्री एड्रेस कोड की फॉर्म है. अब बात करें, हम बोल रहे हैं कि एटमोस्ट थ्री एड्रेस, मैक्सिमम थ्री एड्रेस और एटमोस्ट थ्री ऑपरेंड्स यहाँ पे हो सकते हैं. तो इस एग्जाम्पल के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए हम थ्री एड्रेस कोड स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट सपोज सबसे पहली चीज, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हमारा कंपाइलर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करेगा और ये आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज किसकी है. तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, जैसे हम स्टैक के अंदर इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सॉल्व करते थे, सेम उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे. बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रायोरिटी के साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यदि यहां पे कोई बी है और इधर भी कोई बी होता तो हमें कौन से बी से इस वी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही. यदि चेंज हो रही है तो हमें उसके साथ में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पहले उसको परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम देखेंगे, इससे रिलेटेड दो तीन एग्जांपल्स हम करेंगे. सो लेट सपोज इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्प्रेरी वेरिएबल लेते हैं और उस टेम्प्रेरी वेरिएबल में यदि हाईएस्ट प्रायोरिटी देखूं तो पैरेंथेसिस की है. तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, बी प्लस सी को हम टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. अब टेम्प्रेरी वेरिएबल में जैसे ही स्टोर करा और आप इस फॉर्म को देखेंगे तो ये मेरे पास एक एड्रेस हो गया, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस, या वन आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट, और इन दोनों आर्ग्यूमेंट में राइट हैंड साइड में एटमोस्ट थ्री, मतलब राइट हैंड साइड में यदि आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में एक ही ऑपरेटर आपको दिखाई देगा. ये एक से ज्यादा ऑपरेटर्स पॉसिबल नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि यहां पे यूनरी हो तो यूनरी के केस में एक और ऑपरेटर पॉसिबल है. अब बात करें हम कि नेक्स्ट आगे हम बढ़ें, तो आगे बढ़ें तो हमने T2 लिया. तो T2 में अब मुझे क्या करना है, इसका जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को क्या कर रहा हूं मैं, अब प्रायोरिटी में पहले देखूं तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, पावर की. तो जो पावर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये क्या हो गया मेरा T1 को पावर कर दूं किससे, D से. तो T1
की पावर कर दिया डी, तो ये मेरा आ गया पूरा का पूरा अब टी टू। नाउ टी थ्री, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स हम लेते जा रहे हैं। अब हम यदि चेक करें तो दोनों का प्रायोरिटी सेम है, डिवाइड का और एब्स्ट्रिक का। तो हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट स्कैन में ए पहले मिला, ए डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया टी टू, तो टी टू को ए से डिवाइड कर दिया। नाउ टी फोर की यदि हम बात करें तो टी फोर में क्या हो गया e मल्टीप्लाई एफ, उसके बाद में बचा क्या हमारे पास, एक बचा है ये हमारा टी फोर हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा कितना हो गया टी थ्री। सो टी अब क्या करना है, प्लस करना है, तो टी थ्री प्लस टी फोर ये बन गया मेरा थ्री एड्रेस कोड। अब ये जो थ्री एड्रेस कोड बना है, इस थ्री एड्रेस कोड को हम सिंबल टेबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक्स, क्वाड्रपल, ट्रिपल, इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो सबसे पहला मैं क्वाड्रपल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वाड्रपल टेक्निक्स के लिए, क्वाड्रपल मतलब क्वाड मतलब फोर, सो फोर का मतलब ये है कि एक ऑपरेटर होगा, ए दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे और एक उसका रिजल्ट होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस ऑर्डर में ऐसे जिस सीक्वेंस में आपने थ्री एड्रेस कोड लिखा है उस सीक्वेंस में आप ऑपरेटर्स देखते जाओ, तो प्लस है, पावर है, डिवाइड है, एब्स्ट्रिक्ट है और प्लस है, उसी सीक्वेंस में यहां पे आप सारे ऑपरेटर्स की एंट्रीज कर दो, प्लस, पावर, डिवाइड, एब्स्ट्रिक्ट एंड प्लस, ये हमने सारे ऑपरेटर्स की एंट्री कर दी। उसके बाद में जब ऑपरेटर प्लस था, मतलब ये वाला केस फर्स्ट वाला, तो इसमें एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये था, ये हमारा हो गया आर्ग्यूमेंट वन, ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट टू। तो आर्ग्यूमेंट वन क्या है मेरा, बी, तो आर्ग्यूमेंट वन मेरा बी है, तो मैंने आर्ग्यूमेंट वन की जगह बी को लिख दिया। आर्ग्यूमेंट टू क्या है मेरा, सी, सी को मैंने आर्ग्यूमेंट टू की जगह लिख दिया। और इन दोनों का बी प्लस सी करूं तो रिजल्ट कहां पे स्टोर है, टी वन में, तो हमने टी वन यहां पे कर दिया। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी इस टेबल को फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट वन, इस केस में आर्ग्यूमेंट वन मेरा ये है, आर्ग्यूमेंट टू मेरा ये है, तो टी वन और डी ये आर्ग्यूमेंट्स हो गया, और कहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने, टी टू के अंदर। नेक्स्ट ए टी टू कहाँ पे स्टोर कर दिया मैंने, टी थ्री में। इस केस में आर्ग्यूमेंट ई एफ कहाँ स्टोर करा मैंने, टी फोर में। इस केस में आर्ग्यूमेंट टी थ्री एंड टी फोर कहाँ स्टोर किया मैंने, टी फाइव में। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम सिंबल टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहली चीज, क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन के एडवांटेज की बात करें, तो क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में जो हम टेम्परेरी वेरिएबल में जो रिजल्ट स्टोर करते जा रहे हैं उनको एक्सेस करना सिंबल टेबल में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम उस टेम्परेरी वेरिएबल्स को सिंबल टेबल्स में इजिली एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका यदि ड्रॉबैक्स की बात करूं तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आपने जो भी रिजल्ट एक नया टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर किया है, यहाँ तो आपके पास पांच टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, यदि आपका कोड बहुत लेंदी कोड होगा, थाउजेंड एंड वन लैक्स लाइंस में होगा, तो वहाँ पे आपके थाउजेंड्स एंड वन लैक्स लाइन टेम्परेरी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो उन टेम्परेरी वेरिएबल्स को सिंबल टेबल में स्टोर कराना, मतलब वी रिक्वायर्ड द मेमोरी, तो उस केस में हमारा ये क्वाड्रपल ड्रॉबैक हो जाएगा। मतलब मेमोरी प्रस्पेक्टिव व्यू में यदि अपन देखें तो हमें हर एक टेम्परेरी वेरिएबल को सिंबल टेबल में स्टोर कराना पड़ रहा है, सिंबल टेबल में स्टोर कराना पड़ रहा है, मतलब स्टोर कराने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड हो रही है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स पे गए, जिसको हमने बोला ट्रिपल्स। ट्रिपल्स के अंदर हमने ये रिजल्ट वाले कॉलम को यहाँ से हटा दिया। आप देखें तो आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू एंड ऑपरेटर, तीन ही फील्ड्स हमने यहाँ पे रखी। ये मैंने एज अ रेफरेंस, एक इंडेक्स नंबर कह लो, ये सारा हर जगह मैंने जो लिखा है इंडेक्स नंबर है। अब इस केस में हमने इस इंडेक्स नंबर की हेल्प हमें लगेगी, इस इंडेक्स नंबर के थ्रू हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से रिजल्ट हटा दिया, तो आपका कंपाइलर कैसे समझ पाएगा कि रिजल्ट यदि हट गया है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, सेम जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स कॉपी किए थे वहाँ से, उसी सीक्वेंस में ऑपरेटर्स हम यहाँ पे कॉपी कर दें। तो ऑपरेटर्स हमारे पास में प्लस, पावर, डिवाइड, एब्स्ट्रिक और प्लस, एज इट इज उसी सीक्वेंस में जो टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है लाइक बी एंड सी, उसको हम एज इट इज कॉपी कर दें बी एंड सी।
उसके बाद में जैसे ही टेम्पररी वेरिएबल आ जाए, मतलब T1 में B प्लस C का हमने रिजल्ट स्टोर किया था, बट रिजल्ट तो यहां पे कहीं हम नहीं लिख रहे हैं, तो उस केस में B प्लस C का जो भी रिजल्ट आया वो T1 में, तो वो जिस भी इंडेक्स नंबर को शो कर रहा है वो इंडेक्स नंबर, वो रेफरेंस हम यहां पे लिखते जाएंगे। तो वो रेफरेंस के थ्रू क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि बी प्लस सी का रिजल्ट हमारा इस जीरो रेफरेंस के अंदर है। आगे बढ़े हम, जैसे ही आगे बढ़े तो यहां पे D आया, तो D हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में A आया, A एज इट इज लिख दिया। देन T2, तो T2 में क्या करा आपने, T1 पावर D को कहां पे स्टोर किया, T2 में। तो T1 पावर D को T2 में स्टोर किया, जो कि क्या रेफरेंस है मेरा, इंडेक्स नंबर वन। देन उसके बाद में आगे बढ़े हम, तो E और F एज इट इज हमने लिख दिया। देन T3 एंड T4, T3 क्या है आपका, इंडेक्स नंबर टू, T4 क्या है आपका, इंडेक्स नंबर थ्री। तो इस तरह से हमने इंडेक्स के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू हमने वो रिजल्ट शो कर दिए। बट ट्रिपल्स में जो ड्रॉबैक्स है वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ट्रिपल्स के केस में, दैट्स वाई इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम इनडायरेक्ट ट्रिपल पे गए। इस ट्रिपल का ड्रॉबैक ये है कि आपने जब यहाँ पर रेफरेंस लिखा है, ये मतलब जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका उस पर्टिकुलर रिजल्ट को, बट यदि हम ये देखें कि इस टू इंडेक्स पे आपने क्या किया, डिवाइड वाला काम किया, थ्री इंडेक्स पे क्या किया आपने, एब्स्ट्रिक्ट वाला काम किया, और यहां पे आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो प्लस के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां प्लस की जगह यदि मैं, फॉर एग्जांपल, यदि मैं प्लस की जगह यहां पे डिवाइड कर देता और इन दोनों लाइंस को चेंज कर देता, स्वैप कर देता आपस में, तो उस केस में आप देखना, जहां पर यदि फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास वैल्यू थी 4 और यहां पे वैल्यू है मेरे पास 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करना था तो रिजल्ट मेरा 2 आना चाहिए। बट यदि इन दोनों को मैं स्वैप कर दूं, इन दोनों स्टेटमेंट को मैं स्वैप कर दूं, तो यहां पर अब मेरा आ गया 2 और यहां पे आ गया मेरा 4, अब इनको डिवाइड करूं तो T2 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यूज मेरी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक विथ ट्रिपल। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम कहां पे गए, इनडायरेक्ट ट्रिपल। ड्रॉबैक आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉबैक क्या है, यदि मैं स्टेटमेंट की स्वैपिंग कर दूं तो उससे मेरा रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। नाउ इनडायरेक्ट ट्रिपल में हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ट्रिपल के केस में हमने जो भी इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, ये जो हम रेफरेंस लेकर चल रहे थे, उसके साथ में एक पॉइंटर को भी एसोसिएट कर दिया, मतलब एक एड्रेस को भी एसोसिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल एड्रेस है 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये मेरा एड्रेस है। उसके बाद में ये टेबल में सेम एज इट इज, जिस तरह से हमने ऑपरेटर्स लिखे थे वो सारे ऑपरेटर्स, पावर, डिवाइड, स्टार और प्लस, ये एब्स्ट्रिक्ट और प्लस एज इट इज हमने लिख दिए। अब आर्ग्यूमेंट वन और आर्ग्यूमेंट टू में जहां पर भी टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं थे वो हमने एज इट इज लिख दिए, बी और सी। अब यहां पे देखिए, यहां पे अपने ने जीरो लिखा था, बट यदि फिर से मैं यहां पे जीरो लिख दूंगा तो अगेन वही प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जीरो इंडेक्स पे जो भी पॉइंटर स्टोर्ड है उस पॉइंटर को हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पे पॉइंटर क्या स्टोर था, 10, तो 10 को अब यदि स्टेटमेंट सफल भी हो जाए तो कोई इशू की बात नहीं है, उस केस में हमारे पास वो पॉइंटर है, वो रेफरेंस है, जिस वो एड्रेस है, स्टेटमेंट सफल भी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ उसके बाद में यहां पर मेरे पास है डी, यहां पर है ए, यदि 1 की बात करूं तो 1 के केस में क्या हो गया मेरा 11, सो 11 आ गया। देन उसके बाद में यहां पर है ई, ये एफ, देन 2 एंड 3, 2 के केस में 12 एंड 3 के केस में 13। ये मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, 100, 200, 300, 400, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए 10, 11, 12, 13, 14 लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी थ्री एड्रेस कोड बेसिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी अनदर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अ थ्री एड्रेस कोड। थैंक यू सो मच।